हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे इस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों, आज हम आपके लिए कोई उपभोक्ता फोरम का फैसला लेकर नहीं आए। क्यों नहीं आए दोस्तों, इसके मुख्य कारण भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम कि सहारा की प्रतिबंधित सेबी द्वारा जो इकाइयां हैं उनमें जो निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, निवेशकों की ये न्यूज़ अक्सर हम देते रहते हैं कि किस उपभोक्ता फोरम से, किस अदालत से उनको क्या फैसला आया और उनको पैसे देने के क्या फरमान सुनाए गए। तो दोस्तों, ज़्यादातर हम उपभोक्ता फोरम की अदालत के फैसले की ही वीडियो डालते हैं। जो भी फैसला निवेशकों के हितों में दिया जाता है फोरम अदालत से, स्थानीय ब्रांचों को जो भी आदेश दिए जाते हैं, वह फैसले जो भी हमें मीडिया द्वारा, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, जितनों अखबारों में आपके कोई न्यूज़ आती है वो देते हैं और बताते हैं कि फला उपभोक्ता फोरम में ये फैसला निवेशक के हित में दिया गया। और उसमें ज़्यादातर हम यही बताते हैं कि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद ना लौटाने की कमी को मानते हुए ब्रांच को आदेश दिया जाता है कि जमाकर्ता को 7% या 10%, जितना भी प्रतिशत उनका ब्याज होता होगा, उस ब्याज सहित लौटाने तथा मानहानि दंड आदि की अलग से 5-15 जो भी उनकी ऊपर रखी गई पेनल्टी होती है उसको हम बताते हैं। और यही बताते हैं कि ये आदेश मात्र 30 दिन या 60 दिन या जितने भी वो दिन बताए जाते हैं उपभोक्ता फोरम के द्वारा कि इतने दिनों के अंदर अंदर इनका भुगतान कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस तरह की जो हम न्यूज़ देते हैं उसमें हमें अभी तक ये नहीं पता था कि उपभोक्ता फोरम का जो आदेश होता है उसके आदेश की अवहेलना ये ब्रांचें कर रही हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, हम इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन अचानक हमें पता चला कि वो भी निवेशक के बताने से कि उपभोक्ता फोरम आदेशों के बाद भी 10 महीने तक पैसा नहीं लौटा रहा। कुछ इस तरह की एक दो न्यूज़ जब हमारे पास आई तो हमें पता चला कि उपभोक्ता फोरम मात्र एक अदालती आदेश है जिसकी अवहेलना सहारा की ब्रांचों पर प्राय देखी जा रही है। तो दोस्तों, ऐसी अवहेलना होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, क्या उपभोक्ता फोरम अदालत मात्र आदेश करने तक ही सीमित रह गया है? निवेशकों के आगे की जिम्मेदारी क्या उपभोक्ता फोरम की नहीं है कि निवेशकों का पैसा हमारे द्वारा बताई गई समय अवधि में देने का जो हमने फरमान सुनाया था उसकी अवहेलना की गई, उसके आगे की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणवश आज हमने अपनी वीडियो नहीं डाली। आज भी फैसला एक दो कहीं ना कहीं अखबार में हमें मिल जाता, लेकिन हमने कोई फैसला आज नहीं डाला क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से जो हमें न्यूज़ मिलती है किसी भी अखबार में और उसको हम आप तक देते हैं, तो हम इस बात को नहीं जान पाए थे कि पैसा निवेशकों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। मात्र एक आदेश है जो उपभोक्ता फोरम के द्वारा 15 दिन 10 दिन की एक फोरम अदालत के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमें भी इस बात का खेद है कि निवेशकों का पैसा देने में उपभोक्ता फोरम भी असमर्थ है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी सुलझी पहेली है जिसका इस वक्त हमारे सामने कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। जो हमारे पास न्यूज़ देने के स्रोत हैं उन स्रोतों ने हम लोगों को थोड़ा सा भ्रमित बना दिया है क्योंकि इससे आगे की वो न्यूज़ हम तक नहीं पहुंचाते कि उपभोक्ता फोरम के आदेश के बावजूद भी फला निवेशक का पैसा नहीं दिया गया, तो अब उपभोक्ता फोरम ने ये एक्शन लिया या वो किया, इस तरह की कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं आती। तो दोस्तों, हम यही समझेंगे कि इस वक्त सहारा निवेशकों का मैटर बहुत उलझा हुआ है और सहारा सुब्रत राय की दादागिरी बिल्कुल इसमें साफ नजर आ रही है, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने कहा है अपने अखबार के माध्यम से, अब से 2 महीने पहले कहा था कि सभी निवेशक चुपचाप बैठ रहे हैं वरना तो पैसा बड़ा नुकसान उठा उठा सकते हैं। कुछ इस तरह की कोई न्यूज़ आई थी अखबार में, वो हमने आपको दी थी। तो दोस्तों निवेशकों के लिए कोई अच्छा स्रोत और देखते हैं कि आप निवेशकों का पैसा मिलने का कोई अच्छा स्रोत हमें मिले और हम अच्छी न्यूज़ डालें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी अपडेट लेकर। तो दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, आज हम आपको कोई मीडिया की ऐसी रिपोर्ट नहीं दे सके जिसमें आप निवेशकों और हम लोगों को गुमराह होना पड़े और भ्रमित होना पड़े। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।